हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप मज़े कर रहे होंगे न्यू ईयर के समय में। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मतलब ये लास्ट, ये इस साल का नहीं, ये पिछले साल का है, ठीक है। इसको हो चुके हैं एक साल कंप्लीट और हमें अभी इसको री स्टार्ट करने वाले। सो थैंक यू सो मच, आपने कुछ ज़्यादा ही संयम रखा मेरे जैसे इंसान को, तो इट्स मीन अ लॉट। हम इसे री स्टार्ट करते, सो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते। मेरी फेवरेट स्टोरी है नाज़मीन और हमारी अमरीन की। इन लोग जो होते ना चले गए थे पाकिस्तान में, थोड़ा इन क्योंकि होती है भाई नाज़मीन, थोड़ा बहुत होता है कि यार नाज़मीन को देखना होता है हमारी अमरीन को। अमरीन जो होती है ना वो अच्छी खासी पुलिस वाली होती है, तो उसके थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे आप कुछ हाई जॉब पे होते हैं या फिर पोस्ट पे होते हैं, तो आपके लिंक बन जाता है ना, आप कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती कि अब बस काम हो जाते हैं। तो हमारी इसके ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ट्रेनिंग के समय बहुत मतलब दूर दूर तक फैले हुए थे, इसकी वजह से इसका अच्छा खासा कॉन्टैक्ट था क्योंकि इन लोग चल जाते हैं। एंड हमने देखा था कि हमारे नाज़मीन और हमारी अमरीन कितने प्यारे तरीके से मिले होते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके सुनो यार, मैंने आज सुना तो मुझे एकदम बहुत खुशी मिली। आई होप सो कि आपको भी मिलेंगे। देखा था कि हमारी अमरीन नाज़मीन मिल जाते हैं, इन लोग फाइनली घूम रहे होते हैं, अच्छी सब कुछ कर रहे होते हैं। तो गाइस देखते देखते अमरीन और नाज़मीन ऐसे इन लोग जो होते हैं एक वीक पूरा गुजार लेते एक दूसरे के साथ में, फैमिली के साथ में कुछ ज़्यादा ही मतलब है ना अटैच हो जाते हैं हमारी अमरीन। और यहाँ हमारी अमरीन को ना उसके फ्रेंड कॉल करते हैं, तो मतलब दूसरे वाले फ़ोन से, क्योंकि वो भी एक पुलिस वाली ही होती है, तो उसकी वजह से वो फ़ोन करते हमारी इसको। तो हमारी अमरीन बोलती है क्या हो गया, तो वो कुछ बताती है, जैसे कि बताती है हमारी अमरीन शौक हो जाती है, ये कब हुआ, और बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है, सहम जाती है कि यार ये क्या ही हो गया, कैसे अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब कैसे क्या करें ना। यहाँ बेचारी अमरीन हमारी नाज़मीन बोलती क्या हो गया जान सब ठीक है, हमारी अमरीन बोलती हाँ सब ठीक है। ये फिर यहाँ पर हमारी फ़ोन रख देती और बताती कि यार मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, कि वो शादी में गए थे, ऐसा ऐसा पता नहीं मुझे शायद जाना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको तो पता है ना मम्मा का हमारे अलावा और कोई नहीं है। यहाँ देखते कि हमारा रिजवान जो होता ना वो भी आ जाता है, बोलता क्या हो गया दीदी आप इतना टेंस क्यों, क्या हो गया। तो हमारी अमरीन बताते कि रिजवान को कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, अभी हमें जाना पड़ेगा। यहाँ हमारे सबकी मतलब जो होता है ना दिल की धड़कन एकदम टूट सी गई होती है यार, मतलब कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एकदम से ऐसा कुछ होता है तो यार मतलब दिल टूट जाता है ना। तो हमारी नाज़मीन हमारी अमरीन का हाथ पकड़ते हैं, जाओ आपको मम्मा के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर रिजवान भी अपनी वाली बंदी को बताता है कि यार ऐसा ऐसा हो गया। यहाँ बेचारी कशिश को भी पता चलता है कि यार आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको मतलब कि फ़ौरन से निकलना होगा। अब यहाँ देखते हैं कि यार फ़्लाइट मिलेंगी या फिर नहीं, क्योंकि इनके जो थोड़े से होते हैं ना इनको जाना होता है, अपना सब जो होता है ना टिकट्स वगैरह मतलब टिकट्स एंड वो भी कलेक्ट करने होते हैं, साथ साथ इनको कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं क्योंकि होता है ना इंडिया वालों का कुछ अलग ही टच है ना, इसकी वजह से उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफिकेशन करनी पड़ती है थोड़ा बहुत, क्योंकि रिस्की होता है ना अगर वो कुछ ज़्यादा ही अगर ये हो जाए तो उनको फिर यही लोग कुछ मतलब जेल में या फिर उनको ना जान नहीं देंगे, कैदी बना देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारी अमरीन के कुछ ज़्यादा ही कॉन्टैक्ट है, उनको सब पता था कैसे क्या करना है, बोलते ना पुलिस वालों का कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है ना उनके बारे में, कैसे क्या करना है, कैसे कैसे जगह से ना अपने आप को सेव करना है। तो हमारी अमरीन को सब कुछ पता था, उसने पहले अपने कॉन्टैक्ट से सब बताया था ऐसा ऐसा हम जा रहे हैं, इसकी वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, बस इतना था कि मम्मा के पास जल्दी से जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। ये लोग जो होते हैं अपनी फ़्लाइट्स की टिकट करते क्योंकि इनको जो होता है दूसरे इधर जाना पड़ता है, इन लोग डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट तो नहीं पकड़ सकते थे, इसकी वजह से इन लोग नेपाल की पकड़ते या फिर जो आसपास के जो होते हैं ना नेबर कंट्री उनकी, वहाँ पर देखते कि चलो भाई यहाँ की कुछ मिल जाए। तो बस ऐसा देखते हैं यहाँ पर हमारे जो अमरीन जो होता है मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एक दिन लोग चल जाते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारा टाइम लग जाता है। बेचारी अमरीन और नाज़मीन जो होते हैं ना बाहर ही मतलब वेट कर रहे होते हैं, उनके सवाल के जवाब दे रहे होते हैं कि मतलब क्यों आए आप, किस लिए आए, ऐसा वैसा फलाना टाइप का कि क्या ही था आपको यहाँ आने की क्या मतलब ज़रूरत पड़ी, तो वो भी बता रहे थे बस घूमने के लिए एंड ऑल, ऐसे बस देखना था ऐसा वैसा, वो कुछ होता है ना जनरल क्वेश्चन या फिर जो होते हैं ना बस उनके वो काम कर रहे थे। हाँ अमरीन को सब पता था कि कौन सा क्या बोलना है, उसने पहले सब कशिश को और रिजवान को बता दिया होता है यही बोलना है, ऐसा इनका देखते कि धीरे से धीरे फिर टाइम गुजरता है इनका हो जाता है। फिर इनका जो वेरीफिकेशन होता है वहाँ पर एक स्टैम्प लगा देते हैं, और हमारी अभी अमरीन को जाना होता है फ्लैट्स पकड़ने के लिए। यहाँ बेचारी नाज़मीन को मतलब ऐसी हालत हो गई होती है कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी नहीं देना आपके बिना। यहाँ हमारी अमरीन अपने बैग्स वगैरह सब पैक कर रही होती है, अमरीन ने बहुत सारे सामान नाज़मीन के लाए होते हैं, उसके पूरे मतलब बेड पे ना वो सब सामान डाल देती क्योंकि उसने अपने नाज़मीन के लाए थे, उस समय खुद के बस कुछ कपड़े लाए थे, पूरा का पूरा सामान सिर्फ नाज़मीन के लिए होता है। यहाँ नाज़मीन जो होती है ना वो रूम में अकेली होती है, नाज़मीन बेचारी अमरीन को पीछे से करते बहुत ज़्यादा रो रही होती क्योंकि होता है ना यार इंसान अटैच हो जाता है यार इस, हम तो फिलहाल क्या ही बोल सकते हैं, हम तो फिलहाल भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना किसी को, जब कोई इंसान हमारे साथ रहता है तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उसकी कमी महसूस हो जाती है, जब पता चलता है ना वो आपसे दूर जा रहा है जब ये रोना आ जाता है हम जैसे इंसानों को, है ना।
तो बेचारी उसका भी वही हालत होता है कि यार बहुत रो रही होती है, उसको ऐसा लग रहा था कि बस यार नहीं नहीं जान देना इनको, बस अपने पास रहना, या तो आप मुझे लेके चलो या तो फिर आप मेरे साथ रह जाओ। बेचारी अमरिंद कर रही तो क्या करे, या मम्मा बीट हॉस्पिटल में थी, यहाँ बेचारी ने हस्बैंड को भी छोड़ के नहीं जाना था, क्योंकि यार होता है यार, कैसे किसी इंसान को पता है कि यार हाउ मच आई लव यू इडियट, है ना। या बेचारी अमरीन भी उसको हक करते किसी करती, क्योंकि उसको पता था अब पता नहीं कमाने को मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि उसने बहुत जुगाड़ किए होते अपनी सीनियर से, सीनियर से भी उसने डांट खाई होती कि आप तुम ऐसे वाले देश में क्यों जा रहे हो, फलाना टिपका। लेकिन वो बोलते ना बहुत कुछ उसने सब कुछ सहा होता है, एंड इतना कुछ होने के बाद उसको पता था कि अब तो वापस आने नहीं देंगे यहाँ पर, इसलिए वो जी भर के बस हमारे नाजमिन को किस कर लेती है, उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही होती। बेचारे नाजमिन बोल रहे होते रो रो के, जान मत जाओ ना, मुझे भी साथ लेके जाओ ना, उसकी हर एक बात में, उसकी हर एक बोलते ना आपस में सिर्फ दिखाई दे रहा होता है कि जान मुझे ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ऐसा लग रहा होता है कि यार पर कायनात रुक जाए और मैं अपनी जान के साथ चले जाओ, ऐसा ही होता है। यहाँ बेचारे अमरीन को भी पता चलता है कि नाजमिन बहुत ज़्यादा, मतलब जो इंसान आपसे प्यार करता ना गाइस, वो दिख जाता है यार कि नहीं भाई ये इंसान सच में रियल करता है, ऐसा वैसा फेक नहीं है। आजकल के लोग कुछ फेक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं जब समझ में आ जाता है नहीं भाई जो इंसान तुम्हारे लिए रोए ना गाइस, तो उस इंसान को 7 जन्म तक नहीं छोड़ना चाहिए। कोई अगर तुम्हारे लिए नहीं रो रहा तो फिर उस इंसान को छोड़ने में 7 सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ बेचारे अमरीन नाजमिन को बहुत ज़्यादा किस करती है, हक करती है, समझाती है कि जान मैं बहुत चलता हूँ, क्या हम दोनों साथ रहेंगे, बोल देना, सारी की सारी चीज़ें बताती है जिससे तुम्हारे नाजमिन का थोड़ा सा टेंशन कम हो। या नाजमिन बोलते जान मुझे भी ले चलो ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, कुछ तो करो ना, प्लीज़ मुझे आना है आपके साथ, कैसे कैसे समझाओ मैं कैसे रह पाऊँगी आपके बिना, मेरी जान जा रही है जान, अब चल जाऊँगी तो मेरा क्या होगा। यार बेचारे अमरीन बोलते जान आई प्रॉमिस यार जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, ओके बस अभी जाना होगा ना जान, समझो ना, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगी ना, ओके ना, प्लीज़ ना जान, अभी आप ही ऐसे हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, समझो ना। बहुत ज़्यादा मतलब दिलासा देती है। यहाँ देखते कि रिजवान जो होता है वो भी नॉक नॉक कर रहा होता है, बेचारी रिजवान की भी बंदी यही होती है, उसका भी हालत वही होती है कि जो बेचारे नाजमीन का, तब क्या करे जाना होता है। इन लोग जो होते हैं ना कशिश सबके बैग्स वगैरह ले रही है, यहाँ बेचारे अमरीन जो होते हैं हमारे नाजमीन की फैमिली को हाय हेलो बाय सब कुछ करती है। बेचारे नाजमीन का तो रो रो के बुरा हाल था, वो मम्मा को बताती कि मम्मा मैं इनको एयरपोर्ट पर छोड़ के जा रही, मतलब आ रही हो, वो बोल रही हाँ चलो ठीक है बेटा। इन लोग सब बाहर जाते हैं, मतलब कार वार में बैठते हैं, बेचारे हम बेचारी हमारी जो नाजमीन जो होते हैं उसको चिपक के, ये लोग पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं, या रिजवान भी अपनी बंदी को चिपक के होता है, कशिश भी बेचारी सामने बैठी होती है, उसको पता था अब कपल्स का टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ बेचारे अमरीन नाजमीन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चिपक के किसी इजी कर रही होते हैं, होता है ना यार थोड़ा बहुत प्यार व्यार दिखाना, क्योंकि होता है यार दिल दुखता है यार, तुम नहीं समझ पाओगे, है ना। तो सो गाइस वो समय भी आ जाता है कि जब फाइनली अलविदा हो जाते हैं हमारे अम्मू, सॉरी यार हमारे नाजमिन और हमारे अमरीन, एक दूसरे को हक करते हैं, बाय बाय करते हैं, इनके सारे जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं, इन लोग को फुल ऑन सिक्योरिटी से पता चल, मतलब टाइटली सबको चेक करते हैं, इनके बैग्स को रीओपन करते हैं, देखते हैं कि कुछ अलग अलग चीज़ है क्या नहीं, है ना, वो सब कुछ होता है। बेचारी अमरीन नाजमिन ऐसा लग रहा होता है और भगवान जी क्या ही है, क्या कह सकते हैं, बेचारे अमरीन और नाजमिन अलग हो जाते हैं। फाइनली हमारे अमरीन जो होते हैं ना वो पहुँच जाते हैं नेबर कंट्री में, यहाँ बेचारे नाजमिन अपने घर में जैसे जाते वैसे रूम में आ जाती है, अपने आप को कर लेती है, खाना वाना कुछ भी नहीं खाती, उसको पता था क्या जब तक हमारी अमरीन से बात नहीं हो जाती तो उसके मुंह से कैसे खाना निकले। अब यहाँ बेचारे सारे गिफ्ट्स को देखते कि जो कि हमारे अमरीन ने उसे दिए होते, उसको बस चिपक के मतलब रो रही होती, उसके साथ बातें बातें कर रही होती, बोलते ना अटैचमेंट सी लगी होती है, उसके हर एक जगह पे सिर्फ अमरीन दिख रही होती है, उसके सारे जो होते हैं ना गिफ्ट्स में बस टच करके फील कर रहे होते हैं अमरीन को, और बस उससे बातें कर रहे होते कि जान मुझे आपसे बात करनी, प्लीज़ कॉल करो ना, पता नहीं पहुँचे क्या नहीं, पता नहीं मम्मा कैसी है, ऐसे वैसे सारे सारे जो होते हैं ना अपने दिल की जो भी इच्छा होते हैं सारे के सारे गिफ्ट को बता रही होती है। कुछ समय की बात में यहाँ बेचारी अमरीन जैसे ही चल जाते हैं, वैसे बेचारे को जैसे टाइम मिलता है वैसे बेचारी अमरीन जो होते हैं ना हमारे नाजमिन को कॉन्टैक्ट करते हैं कि जान मैं पहुँच गया, मैं अभी इंडिया के लिए निकलने वाली हूँ, ऐसा वैसा जो होता है ना, इन लोग जैसे हमारे अमरीन मैसेज करते हैं नाजमिन को रिलीफ मिलती, थोड़ा बहुत रिलीफ होते हैं, इन लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करने के बाद हमारे अमरीन जो होते हैं बोलते हैं जान आप अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना टाइम से प्लीज़। अब यहाँ अमरीन ने उसको कसम दे दी होती है नाजमिन को खाना खाना ही होता है, उनको समय के बाद मम्मा भी आती है उसको खाना जान मुझ के खिलाते हैं, बेटा खा ले वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा ऐसा। यहाँ इंडिया में जैसे पहुँचते तो वैसे ही लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए
हॉस्पिटल में पता चलता है कि मामा जो होते हैं उन्होंने किसी बात का टेंशन ले लिया होता है, क्योंकि जहाँ पर मामा गई होते हैं ना वहाँ पर थोड़ा सा मतलब होता है ना शादी में थोड़ा सा झगड़ा हो गया होता है, इसकी वजह से मामा को बात लग गई होती है, उनके कुछ फैमिली इशू की वजह से ना मामा की तबीयत ख़राब हो गई। अब बेचारी अमरीन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, ऐसा लग रहा होता है कि बस जाके वो अंकल का मुँह तोड़ देना, उन्होंने मेरे मामा को बोला ही कैसे। होता है ना बेचारी अमरीन के जो पापा होते हैं वो बचपन में होता है कि मतलब जब बेचारी अमरीन बचपन में थी, बचपन में जब शुरू यार बचपन में जब वो थी ना तो उसके पापा का डेथ हो गई थी, देहांत हो गया, तो इसी वजह से उसके पापा ने बोला कि अपने बच्चों को कैसे पालते हो ऐसा वैसा बहुत कुछ, उन्होंने उनकी परवरिश पे और साथ ही साथ उनके मामा पे बहुत सारी चीज़ें बोली होती है, जिसकी वजह से मामा को हार्ट हो गया होता है। एंड बेचारी अमरीन को सब पता चलने के बाद उसको ऐसा लग रहा होता है रिजवान को कि दोनों मिल के एक जाए और एक दो थप्पड़ लगा के आए, उनकी पूरी भड़ास निकाले, बेचारी क्या करे, मामा को देखते मामा को उठाते मामा से बात नहीं करते, मामा बोलते जान मतलब अपने बच्चों को बोलते मेरे जान इधर आ जाओ, ये लोग जो होते हैं ना मम्मा के पास बैठे मम्मा बात तो नहीं कर पा रही होती लेकिन इनसे बात हो मतलब इशारे में बात कर रही होती है तुम कैसे आए, वो सब बताते हैं कि हम आ गए जब हमें जैसे पता चला आपकी ऐसी कंडीशन है तो हम फटाक से आ गए, मम्मा बोलते बेटा मैं ठीक थी तुम क्यों आए, ऐसे इनको इशारों में बात करते उन लोग हमारे रिजवान बोलते हैं मम्मा आप बात मत करो आप प्लीज़ आराम करो, ऐसे बोल के लोग वहीं रुक जाते हैं। और यहाँ देखते बेचारी कशिश भी बाहर ही खड़ी होती है, यहाँ कशिश को बहुत सारे मिस कॉल्स आ रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके जो होते हैं ना प्यार अधूरे प्यार बेचारे वेट कर रहे होते हैं इनका कि कब ये रूम से बाहर आए और उनसे बात करें। या जैसे हमारी अमरीन बाहर निकलते वैसे नाजमीन को फ़ोन करती वीडियो कॉल बताती कि सब ठीक है आप टेंशन ना लो बताओ आपने खाना खाया है कि नहीं, ऐसे वैसे लोग बात करते। यहाँ देखते कि हमारी अमरीन नाजमीन को सुला देती है और यहाँ बेचारी मतलब होता है ना थोड़ा सा मतलब नाइट इशू हो जाता है ना मतलब कि यहाँ पर रात हो रही होती है लेकिन वहाँ तो अलग ही समय था, इसकी वजह से उसे सुला देती है। एंड फाइनली गाइस हमारी जो अम्मू सॉरी यार हमारी जो अमरीन जो होते हैं ना अम्मू का सॉरी अमरीन का निक नेम होता है अम्मू का अमरीन का निक नेम होता है अम्मू यार कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है फ्लिपिंग। कुछ समय के बाद मम्मा के डॉक्टर आते हैं, मम्मा के पास डॉक्टर आते हैं बोलते हैं टेंशन ना लो जिन्होंने बस टेंशन लिया था इसकी वजह से इनकी बीपी हाई हो गई थी। यहाँ देखते कि हमारे डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन देते बोलते चलो ठीक है इनको यहाँ रख के भी कोई मतलब नहीं, जैसे घर जाएंगे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अपने आप, आप मम्मा को लेके चल जाओ मैंने मेडिसिन अगर लिखा दिया अगर ज़्यादा कुछ हो जाए तो प्लीज़ आप बता देना मुझे या फिर लेके आ जाना या फिर मुझे बता देना मैं आ जाऊँगा घर पे, ऐसे बोल के वो चल जाते हैं डॉक्टर। यहाँ बोलते चलो जी मामा आप घर पे चलोगे ना फिर जब जल्दी से ठीक हो जाऊँगा, ऐसे बोल के चल जाते हैं लोग घर पर। कुछ समय के बाद मामा को ठीक मतलब जैसे लोग घर में लेके आते फिर मामा का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, हमारी अमरीन भी बातें कर रही होती नाजमीन से, मम्मा तो सोई हुई होती। कुछ समय के बाद में देखते कि मम्मा थोड़ा सा अच्छा फील कर रही होती है, आप देखते कि हमारे मम्मा के ना मतलब होते ना उनकी सिस्टर या फिर कज़न सिस्टर सब आ गए होते हैं उनको हाल वाल हाल चाल पूछने के लिए उनके पास बैठे होते, बेचारे मम्मी को टाइम लग गया होता नाजमीन के पास जाती है वीडियो कॉल से बातें बातें कर रहे होते, नाजमीन कैसा हो गया होता कि जान मुझे आपके साथ रहना है मुझे आपके पास आना है कुछ भी करो मुझे बस लेके चलो यहाँ से। अब बेचारे नाजमीन को ऐसा जिद हो गई होती कि नहीं भाई मुझे नहीं रहना यहाँ पर बस मुझे लेके चलो लेके चलो कुछ भी हो जाए, उसकी तो हर एक बात में बस एक रटी लगी थी कि मुझे आपको देख रहा है मुझे आपके साथ रहना है बस चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लेके चलो। बेचारी अमरीन कैसे क्या करें उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बेचारी अपने पापा के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहती हो मतलब उसके पापा के भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी और कैसे उसके पापा को बताए, अगर वो पापा को बता भी दे अगर उसके साथ कुछ करे या फिर उसे मिलने ना दे या फिर उसका फ़ोन ले ले तो मैं कैसे चल जाऊँ, उसको वो भी डर था। अब समझ में ये नहीं आ रहा होता अमरीन को, अमरीन को टेंशन होता है क्योंकि होना भी ज़रूरी है क्योंकि यार अमरीन तो इंडिया में थे लेकिन वो तो पाकिस्तान में थे, अगर पापा वो मेरे को पता भी थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते या फिर उसकी शादी भी करवा सकते थे या फिर कुछ सख्त कदम भी ले सकते थे या फिर उसका कुछ डबल ही कुछ कर दे, इसकी वजह से अमरीन को समझ नहीं आ रहा होता कि करे तो क्या करे। और ऊपर से रिजवान का भी था, रिजवान को भी मतलब बहुत सारे दिमाग में चालू थी यार क्योंकि रिजवान तो प्यार करता था अब कैसे क्या बताया ना दिल की बात, वो भी बेचारी मम्मी की वजह से आ गया होता है अपना अधूरा प्यार छोड़ के, समझ नहीं आ रहा था इनको कैसे क्या करें। यह अमरीन बोलते काम करते यार मम्मा जैसे ठीक होते ना हम दुबई घूमने के लिए चल जाते वहाँ पर ना इनकी फैमिली को बुला लेंगे कैसे भी करके, तो रिजवान बोलता हाँ लेकिन वो कैसे आ पाएंगे, तो हमारे अमरीन बताते हर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी हम वापस तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, अगर पाकिस्तान वापस चले गए तो फिर हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठेंगे और तुम जानते हो अगर इंक्वायरी बैठ गई एक बार तो फिर हो गया फिर कोई नहीं बचा सकता हमें। बहुत मुश्किल से मैं गई थी वहाँ पर बहुत मुश्किल से, तो मैं बता नहीं सकती मेरे हाई ऑफिसर ने कितना कुछ सुनाया था मुझे, बस अभी तो जाके आ गए लेकिन अगली बार जाने का मौका नहीं मिलेगा हमें, ऐसा वैसा बहुत कुछ रिजवान को समझाती है, रिजवान को बनाती कि प्लीज़ ना भाई तो कैसा भी कर उसको उसका पूरा उसके
पूरा प्लान बना लें कि कैसे क्या उनको आना है घूमने के लिए, ऐसा कुछ प्लान बना लें। और मैं भी यहाँ पर नाजमीन की फैमिली को बताती हूँ ऐसा वैसा कुछ कर, क्योंकि तो समझ नहीं सकता। तो रिजवान बोलता है हाँ दीदी आई नो, हम पाकिस्तान में भी नहीं जा सकते, उनको ही बुलाना पड़ेगा। ऐसा वैसा बेचारा रिजवान जो होता है ना, उसकी फिर अपनी लव के साथ कॉल पे बातें बातें कर रहा होता है, उसको समझाता है कि यार मैं अभी आ नहीं सकता, तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो बताते हैं हम कैसे आएंगे, तो हमारे रिजवान से बताते हैं काम करो या फिर दुबई में आने का प्लान कराओ ना, मतलब घर वालों का, चलो ना घूमने चलते हैं ऐसा वैसा कुछ करके, फिर मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगा, मम्मा भी ठीक हो जाएंगे तब तक। यहाँ हमारे नाजमिन भी सुनती है अमरिन का प्लान, तो नाजमिन को ऐसा होता है कि यार कब कब मैं दुबई जाऊँ, कब कब मैं अपनी अमरिन से मिलूँ। यहाँ बेचारे नाजमिन जो होते हैं ना, वो बोलते चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ देखते हैं कि हमारी अमरिन जो होती है बोलती है भगवान जी मैंने जो बोला है, मैंने जो सोचा है प्लीज़ वो जल्दी से हो जाए। यहाँ नाजमिन जो होता है ना भाग के जाती है अपनी पापा मम्मी से बात करती है, बोलती नहीं थी अभी कहाँ जाएंगे बेटा, अभी यहाँ पर इतना सारा काम है, वैसे काम धंधा सब छोड़ के कैसे जाए। बेचारी अमरिन बोलती है, मतलब अमरिन जो होते हैं वो भी सुन रही होती है, यार भगवान जी एक काम बोला था आपको वो भी नहीं कर सकते। या बेचारे नाजमिन जो होते हैं ना वो एक और बार बोलते पापा प्लीज़ ना प्लीज़ ना, पापा बोलते बेटा नहीं मैं नहीं जा सकता, हाँ तुम अपनी मम्मी को लेके जाओ, वो खाली पीली बैठ के रहती घर में। तो यहाँ देखते कि हमारी मम्मा बोलते अच्छा जी मैं खाली पीली बैठ के रहता हूँ, जैसे कि घर के सब काम आप ही करते हो। पापा बोलते हाँ मैं तो करता हूँ घर के काम, बस दो टाइम खाना बनाते हो तुम। यहाँ देखते हैं हमारे नाजमिन अरे मम्मा क्या मैं घूमने का प्लान बना रही थी, आप क्या आपस में लड़ रहे हो ना। तो मम्मा बोलते हैं हाँ चलो बेटा हम दोनों ही जाएंगे घूमने के लिए दुबई, ऐसे बोलते हैं। हाँ बेचारे हम नाजमिन ने चलो ठीक है फिर हम दोनों ही चलते हैं। यहाँ हमारे पापा बोलते अच्छा जी कभी ये मार्केट में गए थे अकेले, दुबई जाने वाले आए बड़े बता रहे मुझे। तो मम्मा बोलते अच्छा जी जा सकते हो मार्केट ठीक है, और हाँ दुबई भी जा सकते हो अकेले देख लो। यहाँ हमारे पापा बोलते बेटा कैसे जाओगे दुबई बहुत बड़ी जगह है। तो नाजमिन बोल रहा अरे यार इतने सारे तो हमारे रिलेटिव रहते हैं ना वहाँ पर, प्लीज़ ना पापा क्यों ऐसे कर रहे हो, ये तो खुद भी साथ नहीं चल रहे और हमें भी जान नहीं दे रहे। पापा बोलते बेटा नहीं लेकिन मैं कैसे अकेले भेजूँ तुम दोनों को, तुम दोनों लड़की हो ना। तो हमारे मामा बोलते हैं अच्छा जी लड़के जैसे कि ये लड़के मैं तो समझदार हूँ मैं इसका ख्याल रखूँगी ना। पापा बोलते हैं हाँ तुम इसका ख्याल रखोगे लेकिन तुम फिर तुम कहीं घूम गए या फिर कुछ हो गया तो फिर मेरी तो जान निकल जाएंगे ना। यहाँ हमारी अमरिन बोलते हैं ओ भगवान जी, अब बेचारी अमरिन क्या करे। अमरिन फ़ोन कट करते और डबल फ़ोन करते नाजमिन को, नाजमिन फ़ोन मतलब उनका रिंग बजता है। तो हमारे पापा बोलते हैं किसका फ़ोन है, तो अमरिन जो होते हैं ना हेलो बोलते हैं, वो सब समझाती है कि आप टेंशन ना लें अंकल मैं अभी आने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ में, मैं इन दोनों का ख्याल रखूँगी। तो पहले अंकल बोलते नहीं बेटा तुम कैसे, तुम तो अपनी फैमिली के साथ रहोगे। तो हमारी अमरिन बताती कि नहीं कल हम सब साथ में घूमेंगे ना आप टेंशन ना लो, आंटी जी को मैं अपनी मम्मी से भी मिला दूंगी और नाजमिन के साथ भी मेरी मुलाकात होंगी। तो हमारे अंकल बोलते लेकिन बेटा तुम अभी तो मिल के गई थी। तो अमरिन बोलते हाँ वो मैं अभी मिल के गई थी लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मम्मा को ना थोड़ा सा बाहर घुमाओ, इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि दुबई का प्लान करते। तो हमारे अंकल बोलते अच्छा जी इसकी वजह से ये हमारी नाजमिन जी दुबई का प्लान कर रही है। नाजमिन का भी प्लान पता चल गया, एक काम करो तो मैं ना इसको लेके चल जाओ, यहाँ रहते हैं ना तो दिमाग ख़राब कर देते हैं हमारा, यहाँ चलो वहाँ चलो, नहीं रहने की इच्छा होती इसको हमारे घर में, ऐसे लग रहा है इसकी शादी करके इसको बाहर भेज दूँ। देखिए जैसे सुनते हैं ना मतलब दोनों के दोनों अमरीन का भी मुंह इतूसा हो जाता है, वो भी चुपचाप नील बट्टे सन्नाटे में चल जाती है। बेचारे नाजमिन का भी मुँह बन जाता है, क्या यार पापा बस भगाने की बात करते रहते हो आप। पापा बोलते अच्छा जी बेटा किसी ना किसी दिन तुम्हारी शादी तो होनी थी, जैसे मैंने आज बोल दिया तो क्या होगा क्योंकि तुम शादी नहीं करोगी। अब नाजमिन बोले तो बोले क्या, बोले नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मैंने आपके साथ रहना आपके सर खाना है। पापा बोलते अच्छा ठीक है बेटा मेरा ही सर खाना ठीक है, चलो ठीक है बताओ कब जाना है तुम दोनों को। तो अमरिन बोलते चलो ठीक है ना मैं सब बताती हूँ आपको ठीक है। यहाँ देखते हैं कि हमारे अमरिन और नाजमिन जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा भी बोलते हैं हाँ बेटा चलो चलो मज़े करेंगे दुबई में जाके, तुम्हारे पापा को यही सड़ने देंगे। क्या पापा बोलते अच्छा जी बेटा यही सड़ू मैं भी इंजॉय करूँ, तुम दुबई में जाके इंजॉय करो मैं यहाँ इंजॉय करूँ ओके। ऐसे बोल के लोग जो होता है ना अपने एक दूसरे को ये कर रहे होते। यहाँ देखते कि हमारी नाजमिन जैसे ऊपर जाती वैसे हमारी अमरिन को आई लव यू बोल के बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, क्योंकि बोलते ना यार जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाती है ना तो लाइफ का को समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ को चुभने की इच्छा हो रही होती। अमरिन बहुत ज़्यादा खुश होती, अमरिन में उसको हक करने की इच्छा मतलब दिल में रख रही होती, बोली काश जान कब वो दिन आएगा मैं आपको हक करूँगी, कब मैं मम्मा को बताऊँगी मम्मा मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या मैं इनसे शादी कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं मम्मा का क्या रिएक्शन होगा लेकिन आपको कहीं दूर नहीं जान दूँगी आई प्रॉमिस मेरी जान, बस मेरे साथ आप ऑलवेज रहना फॉर एवर। हमारी नाजमिन बोलती हाँ जान मैंने कहाँ जाना है आपको छोड़ के, आपके साथ ही रहना ऑलवेज फॉर एवर, पहले बताओ ना मम्मा कैसे, मम्मा से वीडियो कॉल पे बात करो। तो हमारी अमरिन बोली चलो ठीक है मैम करवा दो। यहाँ देखते कि हमारे जो मतलब आंटी होते हैं ना जो भी कज़िन होते हैं हमारे अमरिन के मम्मा के, वो चल जाते हैं बाहर में
वो कुछ मतलब शॉपिंग वगैरह करने के चल जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि हमारे आंटी जो होते हैं ना, वो रूम में बैठे होते हैं, रिजवान जो होते हैं उनके साइड में, उनके पाँव दबा रहा होता है। अमरीन जाती है, बोलती मम्मा देखो ये कौन है। ये जैसे दिखाते हमारे मम्मा को, सब बताते कि हम वहाँ पर गए थे, ऐसा ऐसा हो गया था। पहले तो मम्मा शौक होते, लेकिन उसके बाद में हमारी नाजमिन से बात बात करते, क्योंकि नाजमिन बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा। बोलते ना किसी इंसान से बात करो उसका दिल आ जाता है आप पे, वही बात थी यार। ये तो बात होती है लड़कियों में खासियत, जब आप बात करते ना तो दिल आ जाता है हमारी मम्मा का। बेचारी मम्मा जो होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो मम्मा को एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं इसको जानती हूँ बहुत दिनों से। जैसे हमारे अमरीन होते हैं ना, नटखटी सी, शरारती सी, मतलब चुलबुली सी, मतलब मजाकी, बस वैसी थी हमारी ना हस्बैंड। बहुत ज़्यादा क्यूट एंड बहुत प्यारी लग रही थी हमारी अमरीन। अमरीन भी उसको देख रही होती, मम्मा भी देख रही होती, मम्मा का ऐसा लग रहा होता है कि पेट्स इससे बातें करते रहे। मम्मा को बातें करके ना हमारी माँ की सारी तकलीफ, सारी टेंशन, सारी बीमारी दूर हो गई। बोलते बेटा आप ना मुझसे ना रोज़ 1 घंटा बातें किया करो, मेरी ना टेंशन, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती। कितना 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 क्यूट हो मालूम है आपको, आपको किसी की नज़र ना लगे। तो हमारे नाजमिन बोलते अच्छा जी ये तो है, मुझे किसी की नज़र नहीं लग सकती, आप क्यों होते हुए मम्मा जो मेरी किसी की नज़र लगने नहीं दूंगी। मम्मा बोलते हाँ जी, ऐसे वैसे बोल के अमरीन जो होता है उनको मेडिसिन खिलाते हैं, या वीडियो कॉल अभी भी चाली थे। अमरीन देखते कि हमारी जान जो होती है ना, मतलब कि हमारी ये होने वाली भाभी जी नाजमिन हमारी अमरीन को किस मतलब फ्लाइंग किस दे रही होती जान मुझे। मम्मा तो दवाई खा रही होती, रिजवान तो अपनी बंदी के साथ लगा होता है चैटिंग पे। अब यहाँ अमरीन जो होते हैं बोलते हाय मेरी जान, मतलब दिल तो करवा था किसी दे दे, लेकिन मम्मा के सामने क्या ही करूँ यार, जूते ना पड़ जाए यहाँ पर। यहाँ मम्मा को दवाई खिला के बोलते चलो ठीक है बहुत हो गया, लड़की और बेड माँ की बात है, चलो ठीक है मम्मा सो जाओ अभी, ऐसे बोल के मम्मा को सुला देते और खुद चल जाते अपने रूम में। तो अच्छा जी जान क्या 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 आपने बताना मुझे सर। तो अब बेचारे नाजमिन बोलते अब क्या क्या, मैं वही किया जो मम्मा को करना चाहिए, मम्मा को प्यार किया मैंने। तो अमरीन बोला अच्छा जी मम्मा के लिए फ्लाइंग किस थी, हाँ मेरे लिए नहीं थी। अब नाजमिन बोलते हाँ मैंने आपको क्यों देना, आपको फ्लाइंग किस, मम्मा को दे रही थी मैं, मम्मा कितनी प्यार कितनी प्यारी कितनी क्यूट सी मालूम है। आए बड़े आप कौन हो, आपको मैं फ्लाइंग किस दूँ। तो अमरीन बोले अच्छा जी बेटा चलो ठीक है फिर दुबई का प्लान कैंसिल कर। नाजमिन बोलती चिल्ला दी बोली क्या 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 क्या, कोई 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 कैंसिल नहीं होने वाला ठीक है ना। आए बड़े मुँह तोड़ दूँगी अगर दुबई का प्लान कैंसिल कर दिया तो, देख लेना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अमरीन बोले अच्छा जी फिर बताओ प्लान किस किस के लिए थे। हमारी शुभ सॉरी यार हमारी अमरीन बोलती उसको चिल्ला के। तो हमारी नाजमिन बोलते क्या आपके लिए थी, आपके भूत के लिए थोड़ा थी। तो अमरीन बोलते हाँ जी मुझे पता था, मुझे साथ ही दिया आपने मुँह से बोलो, ऐसे मम्मा के सामने तो दे दी मुझे फ्लाइंग किस, यहाँ पे भी दे दो। नाजमिन बोलते अच्छा जी आपने मुझे बड़ी दी, मैं जो आपको रिटर्न करो पहले मेरे फ्लाइंग किस। तो अमरीन बोलते अच्छा जी पहले रिटर्न करूँ, पहले दो तो से उसके बाद रिटर्न करोगे। तो नाजमिन बोलते अच्छा ठीक है ना सताओ नहीं पहले रिटर्न करो। तो अमरीन उसको फ्लाइंग किस कर दी, किसी देती है ना गाल पे। और अब हमारी नाजमिन बोलते चल ठीक है ना दुबई के बाद ही हम किसी देंगे आपको फ्लाइंग किस। अमरीन चिल्ला के बोलते वही बेटा ये क्या 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 मज़े मज़े ले रहे हो मेरे, चुपचाप चुपचाप मेरे फ्लाइंग किसी रिटर्न करो वरना देख लेना मैंने ना मतलब कुछ अलग ही कर देना है। फिर हमारी नाजमिन बोली क्या 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 करना चाहते हो बताओ। तो हमारे अमरीन बोली अच्छा जी बताओ मैं मम्मा को फ़ोन करो पापा को फ़ोन कर, बोलिए हमारा प्लान कैंसिल हो गया बोलते है ना। नाजमिन बोली अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी 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 मेरी माँ पापा पे चल जाओ तो ना पापा पे धमकी देने लगे हो आजकल पापा के नाम की है ना मुझे, फिर बताते आपको बताओ कहाँ देना है आपको। तो अमरीन बोलते वही बेटा इतने गुस्से में नहीं किसी देते प्यार से किसी को। नाजमिन बोलते सच प्यार से दो। अमरीन बोलते हाँ प्यार से दो, ऐसे गुस्से गुस्से में कौन किसी देता है। नाजमिन उसको बड़े प्यार से बोलते आई लव यू ऐसे बोल के ना उसको किसी देती हूँ फ्लाइंग किसी। यह जानवी सॉरी यार हाय यह हमारी अमरीन जो होते हैं ना बोलते हाय मेरी जान आई लव यू सो मच यार। इन लोग जो होते हैं ना कुछ समय बातें करते हैं, नाजमिन उसको खाना वाना खिलाती है अमरीन को, इन लोग खाना वाना खाते कुछ समय में। हमारी अमरीन बताती है जान मैंने इतने सारे तुम्हें गिफ्ट दिए थे बताओ तो सही गा रखे। तो ये सब जो होते हैं अपने गिफ्ट वगैरह बता रहे होते हैं। यहाँ देखते देखते 2 से 3 दिन चल जाते हैं, यहाँ फाइनली दिन आता है जहाँ पर हमारी मम्मा और हमारे नाजमिन रेडी होते हैं दुबई के लिए। यहाँ पापा उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, अभी पापा की इच्छा नहीं होती इन दोनों को छोड़ने की। पापा बोलते बेटा एक काम करते हैं ना अभी के लिए रहन देते हैं ना, हम 3-4 महीने के बाद साथ में चलेंगे ना जब तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे नाजमिन चिल्ला के बोलते नहीं 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 मुझे तो अभी जाना है। यहाँ पर हमारे अमरीन के घर वाले तो पहले से पहुंच गए होते, मम्मा की तबीयत ठीक थी लोग फटाक से पहुंच जाते हैं, यहाँ बस देरी थी आने के। तो हमारे नाजमिन की या पापा बोलते नहीं ना बेटा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम दोनों अकेले जा रहे हो कुछ हो गया तो मम्मा बोलती अरे कुछ नहीं होने वाला है पैसे कुछ सोच रहे हो। यह नाजमिन बोलते पापा चलो ठीक है ना हमारे फ्लाइट मिस हो जाएंगे ना प्लीज़ 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 जाने दो जाने दो, ऐसे बोल के पापा को किसी वैसी करते हाँ करते। यहाँ पर हमारे पापा भी इनको मतलब दिल तो नहीं कर रहा होता क्या करें, यहाँ इनको बाय बाय बोलते। यहाँ देखते हैं हमारे अमरीन जो होते हैं ना उसको पता होता है कि यार अब मेरी जान आने वाली है, क्योंकि दुबई दुबई में इन्होंने एक ही
एक ही जगह आना होता है ना, सारी की सारी प्लानिंग हो गई होती है, बस हमारी देरी होती है हमारी नाज़बिन के आने की, और हमारे अमरीन को, नाज़बिन को मांगना होता है उसकी मम्मी से, तो बोलना होता है आंटी जी मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या मैं इसे अपने साथ ले चलूँ इंडिया? पता नहीं आंटी जी क्या बोलेंगे, पता नहीं इसके बाद शायद नाज़बिन को पाकिस्तान ले चले या फिर इंडिया ऑलवेज उसको भेज देंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। बोलते ना लाइफ का कुछ नहीं बता सकते, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबल है क्या नहीं, सो इन्जॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे एक लास्ट प्रवचन देना था, आई नो सुनोगे नहीं नहीं सुनोगे, लेकिन एक चीज़ होती है यार, मुझे आज एक चीज़ महसूस हुई, मुझे एक इंसान मिला, इंसान मिली सॉरी मिली नहीं तो वो ना, सो गाइस पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। वो लड़की थी स्ट्रेट, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप में थी 11 साल से, ठीक है, एक लड़के के साथ। लेकिन जब लड़का जब मतलब हो गया, उसके पास पैसे वैसे सब कुछ आ गया, उसने पापा को बताया, मम्मी को बताया कि यार मुझे ये लड़की से शादी करनी। अब लड़के के पास ऐसा होता है कि यार मतलब इंटरकास्ट मैरिज होती है इन लोगों की, लेकिन होती ही नहीं है, उनके सपने इनके बहुत बड़े थे। यहाँ देखते कि लड़के जो होते हैं आखिर में जाके मम्मा को बता दिए, मम्मा मुझे ये लड़का पसंद है, लेकिन मम्मा पापा की जिद थी कि नहीं भाई हमें इससे नई शादी करवानी। अब लड़की यहाँ 11 साल के साथ रहने के बाद अब लड़के को बताती कि मुझे नहीं रहना, मुझे मेरे जहाँ मॉम डैड बोल रहे मुझे भाई शादी करनी। अब लड़का इतना ज़्यादा टूट जाता, बिखर जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने भी देखा होगा अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर किसी से सुना होगा। अब यहाँ लड़के की भी शादी हो जाती है, और लड़की के बोलते ना शादी होके एक साल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ लड़का वो अलग ही दुनिया में होता है, वो भी मतलब शराबी बन चुका होता है अच्छा खासा, मतलब प्यार व्यार में उसका कुछ रखा नहीं होता, अपनी जो लाइफ थी उसने पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया, जो अच्छा खासा कमाता था आजकल वो बोलते हैं ना सबसे मतलब उधारियों में किस्तों में बटा हो गया होता है। यहाँ लड़की को जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हालत हो गई है, तो वो भी क्या करे ना इस टाइप का, कि वो जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना वो मिल भी नहीं पाती, उसको जैसे देखती है तो वो वहाँ से रिटर्न आ जाती है। तो वही मेरे को कुछ चीज़ें बोलनी थी गाइस, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो या फिर कौन से भी कपल हो, ठीक है, जब आपको पता है कि आपके फैमिली में कोई भी मतलब चलो ठीक है आपके फैमिली को पता है कि यार आपको ऐसे बंदे को ना अपने लाइफ में लाना है जो कि मेरे फैमिली के और मेरे मामा पापा की चीज़ों को सेटिस्फाई करे, या फिर जो कुछ भी आपको पता होता है, हर एक इंसान को अपने घर का पता होता है सिस्टम कैसा है, अगर इस बंदे को लेके आऊँगे तो मेरे पापा मम्मी इसको मानेंगे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, फलाना ऐसा टाइप का, ठीक है। जब लड़के को पता था कि यार ऐसा ऐसा होने वाला है और मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी का ना मतलब कि कुछ कर पाऊँ या फिर किसी के लिए स्टैंड ले सकूँ, या फिर मैं अपने लड़के के मतलब अपने लड़के के लिए मतलब उसके बॉयफ्रेंड के लिए अपने मामा पापा को छोड़ दूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहती लड़की, ना ही चाहती कि लड़के को ना बताई पापा मम्मी नहीं पापा मम्मी मुझे इससे शादी करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही वो पापा मम्मी के अगेंस्ट जा रही है, ना ही वो लड़के के अगेंस्ट जा रही है ना, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही, वो खुद के अगेंस्ट जा रही, और उसने सत्यानाश कर दिया 11 साल। 11 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है यार गाइस किसी इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय करने की, उसके बाद भी वो लड़के की तो भाई ज़िंदगी चली गई चली गई। लेकिन हाँ यार, लेकिन जब आपको पता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है बोलने का, जब तुमको पता है कि तुम नहीं उस इंसान को अपनी लाइफ में ला सकती, नहीं तुम उस इंसान के साथ जा सकती, क्योंकि तुम्हें अपने बाबा मम्मी को नहीं छोड़ना है यार, नहीं तुम चाहते हो कि यार वो इंसान मेरी लाइफ में आए, है ना, तुम बस चाहते हो कि बस जो हो गया सो हो गया। लड़कियों की पता नहीं क्यों यही प्रॉब्लम, प्यार तो कर लेती है लेकिन निभाना नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता है निभाना, और जो निभाते हैं वो तो चल जाते हैं, लेकिन कुछ परसेंट के लोग होते हैं जब उनको सब पता होता है कि घर में नहीं मानेंगे यार, लेकिन फिर भी अगेंस्ट जाते हैं अपने पापा मम्मी के, नहीं यार हम प्यार करेंगे हम रिलेशनशिप में जाएंगे। 11 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, है ना, किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कर दी थी, और लेकिन जब टाइम आया जब खुद के लिए जब किया स्टैंड लेना कि नहीं भाई मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी है, तो अभी चाहती है कि नहीं भाई मेरे पापा मैं जिससे शादी करना चाहेंगे मैं उससे करवा दूँगी, ये है उसका, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती यार, जब तुमको नहीं करनी, नहीं किसी इंसान के साथ जाना, नहीं तुम्हारे पापा हमें अलाउड करते, नहीं तुम्हें कुछ करना ही, ना ही लड़के के लिए करना है, ना ही अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना है, तो भाई तुम क्यों अपनी लिमिट क्रॉस करते हो, क्यों किसी इंसान को जाके प्यार करते हो, क्यों भाई अपने वो बोलते ना सर्कल को तोड़ते जाते हो, किसी इंसान की फीलिंग्स डिस्ट्रॉय करने का हक तुम्हें किसने दिया यार, है ना, चाहे उसके जगह कोई लड़के भी होती ना यार, मैं वो चीज़ बोलती हूँ, तुम्हें कोई इंसान का दिल दुखाने या फिर किसी इंसान के दिल से खेलने का कोई हक नहीं, जब तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती किसी इंसान के मतलब तुम ऐसे साथ रहो, या फिर नहीं चाहती वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आए, या फिर कुछ भी हो, तुम्हें पता होता है तुम्हारे घर में वाले तुम्हारे घर वाले किस इंसान को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हें पता होता है कि यार मैं इसके साथ नहीं रह सकती,
मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, क्योंकि मुझे पता है मुझे पापा मम्मी के अगेंस्ट नहीं जाना। तो फिर भी तुम वो बाउंड्री क्रॉस करके जाते हो, लड़के के साथ रिलेशनशिप रखते हो, फिर लास्ट में उसको पैर से धक्का मार के निकाल लेते हो अपनी लाइफ से। यार बहुत हरामी लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन तुमसे हरामी कौन होगा यार? क्यों किसी इंसान की लाइफ स्पॉइल करनी? क्यों किसी इंसान का दर्द, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, उसका टाइम, उसका सब कुछ, उसके घर वाले सब कुछ दांव पे लगा देते? यार लड़के मुझे समझ नहीं आ रही, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कोई इंसान का प्यार तो भाई अकेले रहो ना यार। क्यों किसी के पास जाते हो मरने के लिए? नहीं भाई मुझे प्यार चाहिए तुम्हारा, सब कुछ देते कि नहीं यार मुझे सब कुछ रहना है ऐसा वैसा, लेकिन जब टाइम आता ना पता नहीं तुम्हारा कहाँ चल जाता प्यार, वो सब कुछ है ना टाइम स्पेंड करना, वो हर एक चीज़ चल जाती है गो टू हेल में, और वो इंसान भी चल जाता है गो टू हेल में। मुझे मत बताओ, तुम्हारा देखते बैठो, मैं अपने पापा मम्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो भाई तू क्यों गई थी पहले ही, क्यों बाउंड्री क्रॉस करके गई थी? 11 साल का रिलेशनशिप क्यों रखा तूने? ऐसा नहीं यार, उस लड़की का भी हेट नहीं, क्योंकि यार चीज़ें होती है, हो जाती है, फिर बाद में हम पछताते हैं, लेकिन क्या मतलब है यार किसी इंसान की लाइफ स्पॉइल करके? जब वो लड़के के मामा मामा को उसकी हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, क्योंकि यार अभी वो ओल्ड है, हो गए, वो क्या ही अपने बच्चों को संभालेंगे यार? तुमने उस लड़के की ज़िंदगी तबाह कर दी। और मैं यही चाहती हूँ कि यार हम लेस्बियन या फिर जो भी होता है गे या फिर ट्रांसजेंडर, अगर तुम किसी इंसान से प्यार करते हो ना तो इतनी शक्ति रखो कि यार नहीं, उसके लिए तुम लड़ो, या फिर अपने पापा के अगेंस्ट, पापा मम्मी के अगेंस्ट जाके लड़ो। नहीं भाई मेरे को इसके साथ रहना है, अगर तुम नहीं रह सकते तो मैं फिर कोई हक नहीं हूँ इंसान को जाके प्यार करने का, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने का, कोई नहीं है भाई। अकेले रहो, अकेले मरो, सिंगल रहो, लेकिन किसी इंसान को हर्ट मत करो। या तुम नहीं चाहते पापा मम्मी को हर्ट करना तो भाई तुम अकेले एक चुपचाप रहो ना यार, क्यों किसी के पास जाके अपनी ज़िंदगी का बता रहे हो कि भाई नहीं भाई आई वॉन्ट टू लिव विथ यू फॉर माई होल लाइफ, ऐसा फलाना टिपका। ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ना बस एक एक प्यार का हाँ बोलना ज़रूरत है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है गाइस। अगर तुम्हें शक्ति और हिम्मत दोनों नहीं है ना अपने पापा मम्मी के अगेंस्ट जाने की, या फिर उस इंसान को जिसे तुम प्यार करते हो उसके साथ रहने की, तुम्हें कोई हक नहीं यार रिलेशनशिप में जाने की, किसी को आई लव यू बोलने की। पहले है ना भाई अपनी सेल्फ स्टीम बनाओ, उसके बाद किसी इंसान को बोलो कि नहीं यार आई विल डू, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मैंने पापा मम्मी के अगेंस्ट जाना, अगर वो भी चीज़ आगे तो ठीक है मैंने मैनेज कर लेना, जो होगा देखा जाएगा। अगर मुझे कोई चीज़ चूज़ करनी होगी ना तो मैं अभी चूज़ करूँगी कि तो मुझे अपने पैर को पकड़ के चलना। अगर तुम नहीं कर सकते अपने पैर को पकड़ना तो फिर भाई मामा बाबा जो बोले वो करो। लेकिन किसी इंसान की फीलिंग्स बहुत हर्ट होती है, बोलते ना कर्मा मिलता है बहन भाई जो भी। अगर तुम्हें नहीं चाहिए कोई इंसान तो प्लीज़ यार मत बोल, कोई भी सामने वाला इंसान आता है ना तो भाई उसको शुरुआत ही बोल दो भाई बहन, ये रिश्ता लगा दो। नहीं चाहिए कोई इंसान तुम्हें लाइफ में तो प्लीज़ हर एक रिश्ता भाई बहन से स्टार्ट करो, कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अकेले आए और अकेले चले गए, कोई ज़रूरत नहीं इंसान को प्यार मोहब्बत में रहने की यार, अकेला इंसान बहुत होता है काफ़ी खुद के लिए, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को किसी का साथ ही, अकेला इंसान बहुत कुछ है भाई, ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी और इंसान की। अगर ज़रूरत है तो फिर तुम्हें उस ज़रूरत पे खड़ा भी होना चाहिए, स्टैंड भी लेना चाहिए, पापा मम्मी के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इतनी हिम्मत ला लो बहन और भाइयों मेरे, समझते क्यों नहीं हो किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मेरी ये बकबक सुन के तुम्हारे में सच्चे दिमाग होगा तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना, ना ही किसी से कुछ उम्मीद रखो, ना ही खुद से उम्मीद रखो कि नहीं है मेरे में इतनी शक्ति, मैं किसी को संभाल नहीं सकती, ना ही किसी का कुछ कर सकती, चुपचाप अकेले रहो, किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो चुपचाप मरो अकेले, लेकिन किसी को लेके मत मरो यार, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।